सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में हुआ था पहली बार। सरकार के अन्याय के खिलाफ अब आवाज नहीं होती अनसुनी। सीबीआई चंद्रचूड़ ने उठाया था अनोखा कदम। पिछले साल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट में केसेस के मॉकिंग मेंशनिंग को मंजूरी दी थी, जिसके बाद से वकील अपने महत्वपूर्ण मुकदमों की मौखिक मेंशनिंग करने लगे हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ का कहना है कि मौखिक मेंशनिंग को मंजूरी देकर हम देश के नागरिकों को ये संदेश देना चाहते हैं कि यदि आपके साथ कोई अन्याय हो रहा है, आपका घर तोड़ा जा रहा है या आपको गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया जा रहा है, तो आपकी आवाज अनसुनी नहीं जाएगी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के एक कार्यक्रम में जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हर दिन सुबह चीफ जस्टिस की कोर्ट में करीब 100 मामले मेंशनिंग के लिए आते हैं। कई बार तो ये संख्या 120 तक पहुंच जाती है। धीरे धीरे मैंने सीख लिया है कि मेंशनिंग से संबंधित मामलों को आधे घंटे से 40 मिनट के अंदर अंदर कैसे मैनेज किया जाए। क्या है पूरी खबर आपको विस्तार से बताते, लेकिन उससे पहले आप बताएं क्या सीजीआई चंद्रचूड़ का आप समर्थन करते हैं? और हाँ, सच्ची और निष्पक्ष खबरों के लिए एमएस टीवी इंडिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जब सीजीआई से पूछा समय बर्बाद नहीं कर रहे, इस दौरान सीजीआई ने एक वाक्य भी सुनाया। उन्होंने कहा कि एक बार मुझसे किसी ने पूछा कि बतौर चीफ जस्टिस ऑफ फर्स्ट हाफ में केसेस के मेंशनिंग में आधे घंटे से ज्यादा का वक्त देते हैं, क्या इस समय की बर्बादी नहीं है? लेकिन मैं इसको इस तरीके से नहीं देखता हूँ। मैं बार मेंबर्स को मैसेज देना चाहता हूँ, यदि आपको कोई मामला बहुत अर्जेंट है तो उसे जल्द से जल्द लिस्ट किया जाएगा और सुनवाई होगी। साथ ही हम उन आधे घंटे में देश के नागरिकों को ये संदेश देना चाहते हैं, यदि आपके साथ कुछ अन्याय हो रहा है तो कोई है जो आपकी आवाज़ फौरन सुनेगा। सीजीआई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट एक संवैधानिक कोर्ट है, इसलिए हमारे साथ एक स्थायी संवैधानिक पीठ है जो पूरे साल काम करती है। साथ ही हम आम आदमी की कोर्ट भी है और उनका भी उतना ही अधिकार है, इसलिए दोनों पहलुओं को बैलेंस करना भी बहुत आवश्यक है। क्या है केसेस की मेंशनिंग? सुप्रीम कोर्ट में कोई मुकदमा दायर होने के बाद यह लिस्टिंग सेक्शन में जाता है, जहां से सुनवाई की तारीख मिलती है। लिस्टिंग का मतलब है सुनवाई की डेट। कई बार केसेस की लिस्टिंग में वक्त लग जाता है या बहुत लंबी डेट मिलती है। ऐसे में वकीलों के पास मेंशनिंग का विकल्प है। यदि किसी याचिकाकर्ता को लगता है कि उसका केस बहुत महत्वपूर्ण है और उस पर तत्काल सुनवाई होनी चाहिए, तो वह इसकी अर्जी दे सकता है, जिसे मेंशनिंग कहते हैं। मेंशनिंग की अर्जी सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को दी जाती है। यदि वहां मंजूरी ना मिले तब के सामने मेंशनिंग की अर्जी दे सकते हैं। क्या है ओरल मेंशनिंग? सुप्रीम कोर्ट के वकील संजीव कुमार पांडे बताते हैं कि चीफ जस्टिस सुबह कोर्ट शुरू होने के वक्त यानी 10:30 बजे सबसे पहले मेंशनिंग से जुड़ी अर्जियों पर विचार करते हैं। वे बताते हैं कि मेंशनिंग की अर्जी एक प्रारूप में दी जाती है। वकील व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होकर भी मेंशनिंग का अनुरोध कर सकते हैं, जिसे ओरल मेंशनिंग कहते हैं।